आप सभी लोगों को ये बंदा याद है, ये है अल्फेस खैसागी, जो कि स्विट्जरलैंड सीजन 12 का एक कंटेस्टेंट था। अल्फेस एक काफी अच्छे वेल टू डू फैमिली बैकग्राउंड से था। उनकी वो रिचनेस हम सभी लोगों को उनके सीजन में देखने को भी मिली थी। स्विट्जरलैंड सीजन 12 में उनकी पार्टनर थी आराधना शर्मा, जो की एक प्रोफेशनल डांसर है। इवन शो कम्प्लीट होने के बाद भी इन दोनों ने एक दूसरे को काफी लंबे समय तक डेट किया था। दोनों ने साथ में काफी प्रोजेक्ट्स में काम किया, लाइक वेब सीरीज या टीवी शोज। बट आराधना ने स्टूपिड इनवैलिड रीजंस देकर अल्फेस से ब्रेकअप कर लिया, और अल्फेस ने भी एक समय में बताया कि अब वो दोनों टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं है। तो व्हाट इफ आई टेल यू, अल्फेस अब एक लड़का नहीं रहा और वो एक लड़की बन चुके हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि र्यूमर्स तो ये है कि अल्फेस ने सेक्स चेंज ऑपरेशन कराया है और वो लड़का से अब एक लड़की बन चुके हैं। उनका नाम अब जैना हो गया है। अगर आप सभी लोगों को गौरव याद होंगे तो उन्होंने भी एक सेक्स चेंज ऑपरेशन कराया था और लड़का से वो लड़की बन गए थे। और अब इस फैक्ट को भव्या ने भी क्लियर कर दिया है। उन्होंने अपनी एक YouTube वीडियो में अल्फेस खैसागी के बारे में बात करी थी, जहां पर उन्होंने बताया कि अल्फेस अब जैना बन चुके हैं। भव्या ने बाकी और सारी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करी, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद अल्फेस अब खुद सामने आने वाले हैं। लेकिन लोग तब भी इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि अल्फेस के बारे में बातें चलती ही रहती हैं। इवन एक फोटो भी सामने आई है जिसमें अल्फेस अब जैना बन चुके हैं, और सीरियसली देखकर लग भी रहा है कि वो अल्फेस का शायद फीमेल फॉर्म है। अल्फेस ने सेक्स चेंज सर्जरी कराकर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी ये चीज पता है कि हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा जजमेंटल है, और इस स्टेप के बाद उन्हें काफी सारा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिल सकता है। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अल्फेस को इस ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा सपोर्ट तो नहीं करता, बट अब वो उनकी बॉडी है, उनके हॉर्मोन्स हैं, और वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। बट स्टिल मैस्कुलिनिटी इन इंडिया इज रैपिडली डिक्रीजिंग, क्योंकि एक जमाना ऐसा था जब हमारे एंसेस्टर्स ने हमारी सर्वाइवल के लिए लड़ा है। एक वक्त की रोटी खाने के लिए तक शिकार करना पड़ता था, और आज की जनरेशन को देखें तो चीजें बहुत ज्यादा पलट चुकी हैं। आप लोग का इस सब बारे में क्या ओपिनियन से नीचे कमेंट जरूर करना। एंड विद दिस सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।